अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल थिंक टेक्निकल। मेरा नाम आमिर है और आज मैं आपके साथ पेमेंट गेटवे का दूसरा पार्ट शेयर करूंगा, जो कि पे फास्ट था। पे फास्ट पेमेंट गेटवे का जो पहला पार्ट है वो ये रहा। पे फास्ट का कंप्लीट रिव्यू दिया मैंने इसमें, और इसमें क्या क्या मालूमात इंफॉर्मेशन वगैरह सारी शेयर की है कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और ये कैसे गेटवे, उनके परसेंटेज क्या है, एमडीआर क्या है, सब कुछ मैंने बताया है। तो जिनको नहीं पता, जो पहला पार्ट देखना चाहते हैं वो ये जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा पेमोब के बारे में मैंने बताया है। पेमोब के बारे में आई थिंक मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गाइड की हुई है चैनल्स में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा पेफास्ट की। पेफास्ट का दूसरा पार्ट मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले इसमें मैंने ये किया था कि रिव्यू दिया था, उसके बाद साइनअप किया था। साइनअप के बाद आप करना क्या है, हमने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके लिए क्या करते हैं। साइन अप करने के बाद मुझे एक मेल मौसूल हुई है इनकी तरफ से कि आप अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेल मैं आपके साथ शो करता हूँ। ये मेरे पास मेल आई है इनके सेल्स ऑफिसर की, तो इसमें इन्होंने लिंक दिया है कि मैं अब अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकता हूँ, राइट। तो मैं अब क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद फिर ये रहा इनका लिंक, हम तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, ये क्या क्या मांगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ दोबारा मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो जिनको नहीं पता कि साइनअप कैसे करना है, वो इस लिंक में ये इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद साइनअप करेंगे। साइनअप के बाद एक उनका नुमाइंदा सेल्स ऑफिसर आपको मेल के थ्रू ये लिंक भेजेगा। इस लिंक पे आपने क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद ये इसके अलावा इन्होंने एक प्रोडक्ट टैग भी भेजा, वही भी आप देख सकते हैं, देख सकेंगे। शुरू करता हूँ, इस लिंक पे क्लिक किया। ऑलराइट, देखते हैं क्या शो करता है हमें। जी अच्छा, लिंक पे क्लिक करते ही ये हमें कह रहा है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, कमर्शियल है या फिर जो कमर्शियल नेम है हमने वो लिखना है। लाइक मेरा जो कमर्शियल नेम है वो सवार्लो है, मैंने यहाँ पे लिखा सवार्लो, मेरा कमर्शियल नेम है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने लिखना है जो आप भी आपके यूज में है, जो आप सवार्लो के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा अजय, जो मेरे पास है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये वो भी ओटीपी वगैरह आता है, मोबाइल नंबर पर भी आता है और ईमेल पे भी आता है, राइट। वो लिखा, उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपके पास अवेलेबल है सर, एंड पासवर्ड, ठीक है जी। पासवर्ड आपने वही एंटर करना है जो आपको याद रहे, तो मैं वही एंटर करूंगा जिसमें कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, उसके बाद स्पेशल करेक्टर भी हो, न्यूमेरिक भी हो, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखा, सिलेक्ट सिटी, सॉरी मेरा सिलेक्ट सिटी करना है, मेरा कराची है तो कराची कर लिया, सिटी सिलेक्ट किया, ईमेल एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, पासवर्ड लिखा और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, अकाउंट टाइप, सॉरी यहाँ पे अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, मर्चेंट करना है आपने, एग्रीगेटर आप, क्योंकि मर्चेंट है तो आपने यहाँ पे मर्चेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। एज अ मर्चेंट आप रजिस्टर हो रहे हैं तो एज अ मर्चेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, ये हो गया सर। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एक्सेप्ट कर लें एंड देन रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये मुझे सर एक और विंडो पे लेके जाता है। तो जैसे ही लेके जाता है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जी ये देखिए, ये एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा और एक ईमेल पे। तो मैं पहले मोबाइल वाला लिख लेता हूँ, जो मेरे पास मोबाइल पे ओटीपी आया है। जी ये मैंने मोबाइल वाला एंटर कर लिया, अब मैं जाऊंगा ईमेल पे। ईमेल पे ये देखिए, ये मुझे आया हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे मिलेगा सर जी 4 डिजिट्स का ओटीपी। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली थ्री डायरेक्टिंग टू लॉगिन स्क्रीन। अब आपने क्या, ये अब आपको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा। अब आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है जो अभी इसके तो रजिस्ट्रेशन की है, और पासवर्ड जो आपने लिखा तो वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीजर अब शुरू होगा इनके साथ।
सर्विस लेने के लिए आप प्रोसीजर जो मेन प्रोसीजर वो भी शुरू होने वाला है। तो मेरे भाई मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो सीरियस है बीफास्ट का पेमेंट गेटवे लेने के लिए वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना फिर बार बार देखनी पड़ेगी वीडियो आपको। ओके, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। आपकी मर्जी, आप रिमेम्बर पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये मुझे इनका जो डैशबोर्ड है वहां पर लेके जाएगा। ऑलराइट, ये है इनका जी डैशबोर्ड, जो मेन डैशबोर्ड है ये आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि टेस्टिंग मोड पर है। ये देखिए, ये कह रहा है कि टेस्ट टेस्ट गेट टेस्ट अकाउंट। अच्छा, इसके बाद आप नीचे आ जाए, ये देखिए यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग आ रहा है, यहाँ हम ये सर्टिफिकेट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे है तो ये कह रहा है कि प्लगइन्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ पे जाके, सॉरी क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं अभी इसको कर देता हूँ लीव, वापस आ जाऊंगा डेटा के लिए। अभी आप प्लगइन्स पे जाते हैं, मैं आपको पहले प्लगइन्स दिखा देता हूँ कि इनके पास प्लगइन्स कौन कौन से अवेलेबल है। तो आप यहाँ से प्लगइन्स डाउनलोड करके चाहे तो पहले आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पे फास्ट वूकॉमर्स के लिए है, सैंडबॉक्स प्लगइन, और ये ओपन कार्ड के लिए है, मैजेंटो है, ओपन कार्ड 3 है, वर्डप्रेस का है, डब्ल्यू एच सी एम एस सी एस कार्ड, प्रेस्ट शॉप है, और ये ब्लिंक वूकॉमर्स शॉपिफाई प्लगइन, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से सिंपल से क्या करेंगे, जो भी आपको चाहिए आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आप आएंगे जी वापस डेटा प्रोसेसिंग पे। यहाँ के अब आपने करना है सर, जो इनका फॉर्म्स है, इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फिल करनी है, वो फिल करके आपने इनको सेंड करनी है। कैसे फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जाए और यहाँ पे लिखें गेट टेस्ट अकाउंट पर जाके, आपने यहाँ पे अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों पे क्लिक करें, अगर आपको जस्ट ये पेमेंट गेटवे चाहिए तो पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता, राइट, सक्सेस रिक्वेस्ट हैज बीन कंप्लीट, ओके, अगर आपको नहीं पता कि इनवॉइस से मिली क्या होती है तो मेरे चैनल में जाके आप वो भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट इनवॉइस, ये नीचे रही जा रहा, हाउ टू क्रिएट इनवॉइस के नाम से ये रहा, हाउ टू क्रिएट इनवॉइस, इसमें सब कुछ मैंने बताया है कि क्या होती है, तो ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। राइट, वापस आते हैं। मुझे अगर आपको दोनों चाहिए, दोनों सर्विसेज चाहिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक कर दें और यहाँ पे भी क्लिक कर दें। ठीक है, ये कर दिया। यहाँ से पहले आपने क्या किया, पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी आपको चाहिए तो ये भी आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सर, मेरा लीगल नेम क्या है आप वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो लिखना चाहें, जो आप या फिर जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं वो लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। मेरी वेबसाइट का नाम यही है और मैं इसी नाम से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद सर मैं लेके चलूंगा, क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा, पब्लिक लिमिटेड है आपकी, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, एनजीओ, जो भी आप वो सिलेक्ट करेंगे, मैं सोल हूँ तो मैं यहाँ पे सोल सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, अब आ जाइए जी, ये पूछ रहा है कि बिजनेस डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि आपकी बिजनेस डिटेल मांगेगा, वो आपने यहाँ लिखनी है। जैसे मेरे और सबसे पहले पूछ रहा है बिजनेस कैटेगरी क्या है, तो मैंने यहाँ पे आके अपनी बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मेरी बिजनेस कैटेगरी है सर फैशन, वैसे कॉस्मेटिक्स है लेकिन यहाँ पे कॉस्मेटिक्स नहीं यार, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी, अगर आपके नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर दे। मैं यहाँ पे फैशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एप्रेल एंड फैशन। ठीक है जी, एवरेज सेकंड पे आ जाए, सेकंड पूछ रहा है कि एवरेज एनुअल सेल्स कितनी है आपकी, वो अमाउंट आपने लिखना है एवरेज। अगर मैं आपकी एवरेज की बात करूँ तो मेरा अगर मंथली 5 लाख है तो ये हो जाते हैं 60, यानी कि 6 मिलियन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मिलियन मेरा एनुअल, जो मेरा एनुअल सेल्स अमाउंट है वो ये 6 मिलियन हो जाता है। और यहाँ पे आप लिखेंगे सर जी एवरेज मंथली सेल्स अमाउंट में, यहाँ पे आपने एनुअल लिखा है और यहाँ पे मंथली, अब मंथली आपको क्या हो सकता है 5 लाख, क्योंकि 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये बनेगा 60 लाख, मीन 6 मिलियन। तो मैंने उसी हिसाब से ये लिख दिया कैलकुलेशन करके, एवरेज पर ट्रांजेक्शन अमाउंट। वो कह रहे हैं कि आपकी जो पर ट्रांजेक्शन अमाउंट है कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो टिकट है टिकट साइज कितना बड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट साइज क्या होता है, ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है और मेरा जो मैक्सिमम टिकट शॉप है, मैं यहाँ पे शॉप पे क्लिक करता हूँ,
मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैक्सिमम टिकट का जो प्रोडक्ट है ये 300, 949। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सर, ये 10 लेकर लेता हूँ कि मुझे चाहिए 1550 है मेरा मैक्सिमम। देखे ये मैक्सिमम यहाँ पे 1550 आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिल्टर करूँगा मैं, ये 1550 रुपये, ये मेरा मैक्सिमम टिकट यही है। तो अब मैं इसी को देखते हुए यहाँ पे मेंशन करूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा कि यार मेरा जो एवरेज पर ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो हो सकता है कि 1550 रुपये हो। ठीक है जी, ये आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक यूटिलिटी बिल हो जाए, PTCL का बिल हो जाए, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, गैस है, वो आप रिसेंट जो भी लोग वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे, जहाँ भी आप रखा होगा। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक उठा लेता हूँ, अगर मेरे पास कुछ पड़ा है तो संभाल लो मुझे। आप मैं यहाँ पे XYZ भी कुछ भी उठा लेता हूँ, बट आपने अपनी कंप्लीट डिटेल फिल आउट करनी है मेरे पास, क्योंकि अभी कोई बिल नहीं है तो मैं वो फिर नहीं डालूंगा, बिल वगैरह नहीं डालूंगा। ठीक है, बल्कि मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मेरे पास बिल पड़ा हो, मुझे 1 सेकेंड दें, मैं वापस आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास बिल शायद होगा। 1 सेकेंड। अच्छा जी, मेरे पास एक मैंने ईमेल से अपना बिल निकाला है PTCL का, तो मेरे पास ईमेल पर रखा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया है, अभी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है जी, अपलोड कैसे करना है, आप सिंपली जो फाइल पे क्लिक करें, अपने जहाँ वो बिल रखा हुआ है वहाँ पे जाए। राइट, मैं देख लेता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है बिल, मतलब इनवाइस के नाम से होगा। ठीक है, मुझे यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग है, मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से उठा के ड्रॉप डाउन कर देता हूँ इधर। ठीक है जी, मैंने कर दिया, यहाँ पे PDF फाइल आ गई है। अभी आपने क्या करना है, सिंपली आपने करना ये है सर कि सेव पे क्लिक करें। आई श्योर यू वांट टू सेव, ये कह रहा है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है ओके, करनी है मुझे सेव, सेव कर दिया। राइट, हो सकता है ये वीडियो लेंथी हो जाए, क्योंकि ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो प्लीज जो सीरियस भाई है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। ठीक है, आपने ये देखिए, ये जैसे ही आपने सेव किया तो ये अगर आपकी योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेव, क्लोज करें। अब आप क्या करेंगे, जब ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, आपने आना है जी नेक्स्ट, इनका जो टैब था राइट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आना है। डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए आप यहाँ पे ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे मांगेगा आपका NTA, आपका NTA नंबर क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना NTA नंबर दे देता हूँ, जिस नाम से मैं रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है। तो 1 सेकेंड दें, मैं आपको NTA नंबर यहाँ पे लिखूंगा, ये देखने दें। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे अपना NTA नंबर मेंशन कर दिया है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताई है लेकिन इस दोबारा बता देता हूँ कि पे फास्ट के साथ सर्विस लेनी है तो NTN आपका होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये मैंने अपना NTN नंबर लिख दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कह रहा है कि CNIC फ्रंट फ्रंट साइड जो पिक्चर वो आप यहाँ पे अपलोड कर, तो मेरे पास मौजूद होगी, मैं यहाँ पे चूज फाइल पे जाऊँगा, सम पे जाऊँगा, आई थिंक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं पड़े होंगे। 1 सेकेंड, मेरे पास 1 सेकेंड सर, ये ठीक है, मेरे पास ये मुझे मिल गई है, फ्रंट पिक्चर मैंने उठाई यहाँ से। उसके बाद ये कह रहा है कि बैक भी उठा लो आप, बैक में उठा लेता हूँ, सेम ऐसे ही जाके बैक मिल गई मुझे, CNIC की फ्रंट पिक्चर और CNIC की बैक पिक्चर ही मिल गई। उसके बाद कह रहा है कि बिजनेस ऑनर CNIC, क्योंकि मैं ही ऑनर हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी ही पिक्चर यानी कि शनाख्ती कार्ड की मैं फाइल डाल देता हूँ, मेरे पास CNIC। हाँ, मैंने PDF डाल दिया, आपकी मर्जी, आप PDF डालें या फिर शनाख्ती कार्ड जैसे यहाँ पे डाला है वैसे यहाँ डालते हैं। ठीक है जी, राइट। तो ये होने के बाद आपने क्या करना है सर, आपने करना ये है, CNIC नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जब ये कर लेंगे तो CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है, मैंने लिखा अपना
राइट, ये करने के बाद सॉरी डैश आपने लाजमी डाल लिया, ये तो डैश ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, सेव कर ले। मैंने सेव पे क्लिक किया, ओके। सक्सेसफुली सेव। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा क्योंकि मुझे अब जाना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपने एंटर करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ऑलराइट, तो सर जी यहाँ आ जाए, आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है आप वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे एड्रेस लिखना है अपना, जो भी मेरा एड्रेस है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ चुका है। बट आप जो है, आपका जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे रियल एड्रेस लिखिएगा, फेक ना हो, वरना आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना है, जिस वेबसाइट को आपने अप्रूव करवाना है वो आपने वेबसाइट का लिंक देना है। तो मुझे यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। और नीचे आ जाए, ये ऑप्शनल है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो मर्जी है आपकी, क्योंकि मैं नहीं देना चाह रहा तो ये ऑप्शनल है, मर्जी आप छोड़ दे। और उसके बाद प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आप डालना चाहें किसी और का, आप चाह रहे हैं यार कोई और किसी और से ही कॉन्टेक्ट करें तो आप उनका ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, मर्जी आपकी, देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। राइट, तो ये कह रहा है कि अगर आप ये दे रहे हैं प्राइमरी ऑफ कॉन्टेक्ट ईमेल, तो उसके बाद ये भी आपको देना पड़ेगा उनके। ठीक है, ये भी देना पड़ेगा अगर दे रहे हैं तो, पर ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको छोड़ दें, ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ये क्या है, स्कैन भी अगर किसी और का, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपके आपके अंडर में दो तीन बंदे आपका ये सारा काम देखते हैं, आप नहीं देखते तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं मुझे ये कुछ नहीं करना है, जस्ट जो देना था सब वेबसाइट और एड्रेस देना था मैंने दे दिया है, उसके बाद सब ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ओके करूँगा। राइट, जैसे ही सक्सेसफुल हो चुका है मैंने क्लोज किया, उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा कि मुझे नेक्स्ट अब जाना है, यहाँ बैंक डिटेल वगैरह एंटर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया। राइट, तो ये सब आ चुका है। अच्छा, मुझे आप कह रहे हैं कि आपका बैंक कौन सा है, बैंक डिटेल में पूछ रहा है कि आपका कौन सा बैंक है, किस बैंक अकाउंट में आपको सेटलमेंट चाहिए, जो भी आपकी अमाउंट आएगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका जो अमाउंट है वो आपको किस बैंक में चाहिए। तो मेरा क्योंकि बैंक अल हबीब है तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा। अकाउंट नंबर कह रहा है कि अकाउंट नंबर एंटर करो, मैं देख लेता हूँ मेरे पास अकाउंट नंबर होगा जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना जो अकाउंट आईपीएन है वो यहाँ पे लिख दिया है, आपने अकाउंट आईपीएन नंबर ही यहाँ पे लिखना है, वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसके मुताबिक आपने लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरा अकाउंट का टाइटल क्या है मैं वो लिखूंगा, जो जिस नाम से आपने बैंक अकाउंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है वही आपने यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है जी, ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट सेव पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने ये सब कुछ फिल आउट कर लिया है। सेव पे क्लिक करूंगा सर, ओके। क्लोज, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है कि आपको साइन अप वगैरह कह रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें नेक्स्ट पे। ठीक है जी, और कह रहा है कि डोमेन नेम, ये ऑप्शनल है, वैसे अगर आप लिखना चाहें मैं लिख देता हूँ डोमेन नेम जो पास अवेलेबल है, तो वही मतलब वेबसाइट का लिख देना है आपको। ठीक है, ऑप्शनल है, वैसे आपकी मर्जी, आप करना चाहें, सब ऑप्शनल है, मैं नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है आप करना चाहें। और ये टेस्ट ऑर्डर आईडी, ठीक है, अगर आप इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं टेस्ट तो कह रहे हैं यहाँ पे लिख दें, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा। ओके, क्लोज, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज होगा क्योंकि अब ये नेक्स्ट जो है वो फिनिश, ये देखिए फिनिश करेंगे आप, इसको फिनिश करें। मैं क्या करूंगा, फीडबैक कह रहा है फीडबैक देना है तो फीडबैक दे दो, मैं फीडबैक यहाँ से सेटिस्फाई कर देता हूँ। उसके बाद सर ये सब सारे जो फॉर्म्स वगैरह मैंने फिल कर लिया, मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, मैंने कहा यस।
राइट यस पे क्लिक करते ही ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी अंडर रिव्यू। तो अंडर रिव्यू ये लोग आपके सारी जो एप्लीकेशन जो आपने टेल वगैरह इनको भेजी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है साइन अप इज इन प्रोग्रेस वेटिंग फॉर द अप्रूवल फॉर्म फ्रॉम द ऑपरेशन टीम। ठीक है जी, तो ये आपने रिक्वेस्ट भेज दी है इनको। अब इनकी जो टीम है केवाईसी टीम वो चेक करेगी आपकी डिटेल जो आपने इनको दी है, सारी डिटेल ओवरव्यू करेगी, आपकी वेबसाइट को ओवरव्यू करेगी, देखेगी कि अगर ईच एंड एवरीथिंग इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है देन ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव करेंगे और ईमेल पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे और डैशबोर्ड का जो लिंक है वही आप प्रोवाइड कर देंगे जिसके जरिए से आप अपने ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज करना है, जो इनकी ट्रांजेक्शन होंगी वो देखेंगे और जो एपीआई कीज हैं वो आपको देंगे जिसके थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सकेंगे। ऑलराइट, तो मैं अभी इंटीग्रेशन का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उनके जो सीक्रेट आईडी होते हैं टोकन आईडी वगैरह या एपीआई कीज वो मेरे पास अभी नहीं है, वो तब आएंगे जब ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही मुझे मेल आ जाएगी कि सर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है, आपके ये लिंक है, ये डैशबोर्ड है। तो देन मैं उस पर क्लिक करके अपना जो जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट करूंगा अपनी वेबसाइट पे। तो जैसे ही वो मैं थर्ड प्रोसेस कंप्लीट करूंगा इंटीग्रेशन का देन मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो वो दिखा दूंगा। ऑलराइट, आज तक के लिए अच्छा, जैसे ही मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने साइन अप किया था ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की थी ओटीपी वेरीफाई करने के बाद, तो मुझे ये इनकी तरफ से मेल आई थी वेलकम वगैरह की। तो ये इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी वेबसाइट्स पर क्या क्या मस्ट होना चाहिए, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये क्या रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, प्राइवेसी पर रिफंड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस नंबर, ऑपरेशन आवर्स, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अलोंग विद प्राइसिंग इन पीकेआर, परमानेंट एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन द वेबसाइट, शिपिंग पॉलिसी। तो ये जितने भी हैं ये आपकी वेबसाइट पे मस्ट है, ये होंगे देन उसके बाद ही आप कोई अप्रूवल मिलेगा। ये कुछ प्रोडक्ट टैग्स हैं वो आप देख सकेंगे, खुद से देख लीजिएगा। ठीक है जी, और एक और ईमेल आई हुई थी इनकी कि कंग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन विद साइन प्रोसेस। ठीक है जी, जब मैंने अभी ये किया है फाइनल रिक्वेस्ट फिनिश किया तो उनकी तरफ से ये ईमेल आई है। ठीक है जी, ये कुछ और भी मैंने आपको दे दिया है, बाकी फाइनल ईमेल जैसे इनकी आती है अप्रूवल की देन मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तब तक के लिए सब भाइयों को सब भाइयों से गुजारिश होगी सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थिंक टेक्निकल को, और भाई को सपोर्ट करें ताकि आपका भाई या जो चैनल है वो ग्रो करे और आपको ऐसे ही मजे मजे की जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट जल्दी मैं आपको नेक्स्ट